कर लो आपको जो करना है, आज मैं बोल रही हूँ क्योंकि बहुत हो गया अभी, इट्स इनफ इज इनफ नाउ। आई हैड टफ टाइम एंड आई वाज सुसाइडल। मैं किसी और से शादी करती तो आज मैं एक बच्चे की माँ होती। प्रवीण की फ्रेंड्स आते थे तो कोई एक सर पे खड़ा रहता था कि नंबर एक्सचेंज नहीं कर ले। उसकी मॉम बोलती है कि मेरी बहू मोटी है ना, इसलिए उसको बच्चा नहीं हो रहा है। मैंने कसम खाया मैं उस घर में दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। सुरभि का दर्द, आंखों से छलके आंसू, शगुन और दिया और बाती हम जैसे सीरियल कर चुकी सुरभि तिवारी इन दिनों घरेलू उत्पीड़न से परेशान है। उनका कहना है कि उनके ससुराल वालों ने इस तरह से उन्हें प्रताड़नाएं दी हैं कि वो आत्महत्या करने तक पर उतर आई थी। साल 2019 में उन्होंने दिल्ली के पायलट प्रवीण सिन्हा से मैरिज ब्यूरो के जरिए शादी की थी। शादी के बाद से ही उनकी मुश्किलें बढ़ने लगी। उन्होंने ये तक बताया कि उनके खान पान पर प्रतिबंधी लगा दी गई थी, यहाँ तक कि उन्हें पैसों का मोहताज कर दिया गया था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि शादी से पहले प्रवीण ने जो उनसे वादे किए थे वो सब झूठे थे और ये शादी झूठी बुनियाद पर की गई है। आज तक के साथ बात करते हुए सुरभि तिवारी रो भी पड़ी, उनको अपने पुराने दर्द याद आ गए। मैं किसी और से शादी करती तो आज मैं एक बच्चे की माँ होती। लॉकडाउन में लोगों ने प्यार किया, शादी की, लोगों को यहाँ बच्चा हो गया एंड आई एम क्रेविंग फॉर अ चाइल्ड। इज इट, एम आई रॉन्ग एनीवेयर? एक लड़की हो के अगर मैं एक बच्चा अगर चाहती हूँ अपने पति से तो क्या मैं गलत हूँ? तो वो माँ बनने का जो सुख होता है ना, मुझे उसी से उन लोगों ने, और इस औरत को खुद को दो दो लड़की है। नहीं करते शादी, किसी और से करते, किसी ऐसे से करते जो इनकी जैसी हो, जो सिर्फ पैसा पैसा करे। किसी किसी की घर की और की लड़की को इतना जलील करना। एयरपोर्ट पे चिल्लाते थे मेरे ऊपर प्रवीण, बैंगलोर एयरपोर्ट पे चिल्लाया इन्होंने, अमृतसर एयरपोर्ट पे तो इतना इन्होंने तमाशा किया है। मैंने कसम खाया मैं उस घर में दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। आई डोंट वांट टू गो। जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है ना, पहाड़ में जाए, नहीं जाना है। मैं यही हूँ, दो साल से मैं दोबारा कभी नहीं गई द्वारका। ऐसे नहीं, मेरे को इन लोगों के साथ में नहीं रहना है। आई डोंट वांट टू सी देयर फेस ऑल्सो, यू नो। मुझे किसी भी फैमिली मेम्बर से मिलने नहीं देते थे। मैं आज तक उन लोगों के पटना घर नहीं गई हूँ, आरा घर नहीं गई हूँ, मैंने कुलदेवी की पूजा नहीं की। किस किस्म की शादी है ये, यू नो। मुझे दूर रखा जाता था रिलेटिव से, मुझे किसी से बात नहीं करने दिया जाता था। प्रवीण की फ्रेंड्स आते थे तो कोई एक सर पे खड़ा रहता था कि नंबर एक्सचेंज नहीं कर ले। कोई रिलेटिव, एक रिलेटिव को बुलाया जाता था, उसके बुआ के दामाद और बेटी को, बस वो आएंगे तो सर पे कोई ना कोई खड़ा रहता था कि नंबर एक्सचेंज करने ले, ये कुछ बात नहीं कर दे। प्रवीण की पार्टियाँ होती थी, मैं तो उसको अपने सब जगह फिल्मी पार्टीज में अपने दोस्तों से, हाँ वो लोग कभी मुझे कभी किसी पार्टी में नहीं लेके गए। एंड मम्मी बोलती भी थी कि तुम लोग क्यों ऐसे उसको रख रहे हो, उसको शादी जैसे उसको कुछ लग ही नहीं रहा है। तो इससे कि अगर इसने किसी को कुछ बोल दिया तो आज मैं बोल रही हूँ कर लो आपको जो करना है, आज मैं बोल रही हूँ क्योंकि बहुत हो गया अभी, इट्स इनफ इज इनफ नाउ, यू नो। लोग बोलते थे ना कि शादी को इतने साल हो गए तो यू नो कोई गुड न्यूज़ क्यों नहीं है, तो उसकी मॉम बोलती है कि मेरी बहू मोटी है ना, इसलिए उसको बच्चा नहीं हो रहा है। वो ये नहीं बोलती कि मैं बच्चा नहीं होने दे रही हूँ, बिकॉज डॉक्टर्स ने जब ये कहा ना कि आप आपके तो टेस्ट हो गए सारे, आपके हस्बैंड के ना स्पर्म काउंट टेस्ट होने हैं। प्रवीण के वो प्रवीण आता ही नहीं था कभी स्पर्म काउंट टेस्ट देने के लिए, यू नो। एंड आई टू से प्रवीण, जब तक टेस्ट नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा क्या प्रॉब्लम है क्या रहा है। फिर फाइनली 6-7-8 महीने के बाद में मैंने अपनी शर्म छोड़ दी। आई कॉल वन डे प्रवीण की मॉम को और मैंने बोला कि डॉक्टर्स प्रवीण का स्पर्म काउंट टेस्ट बोल रहे हैं ये करवा नहीं रहा है, मैं इतने दिन से बोल रही हूँ और मैं नहीं चाहती थी कि बेडरूम की बातें बाहर आए। तो प्रवीण की मॉम बोलती हमारे यहाँ सबको बच्चा हुआ है और ना प्रवीण का स्पर्म काउंट टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, प्रवीण में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि मैं कुंडली, मतलब हम थोड़ा सा कुंडली में बिलीव करते हैं, और शादी के पहले जब कुंडली दिखाई गई थी प्रवीण की तो उसमें क्लियरली आ गया था कि प्रवीण को नाड़ी दोष है और ये क्लियरली कहा था कि इस प्रवीण को बच्चा होने में प्रॉब्लम होगा। तो एक कहीं ना कहीं मेरे ना एक बैक ऑफ द माइंड वो पहले से ही था, तो आई वॉज लाइक कि करवा लेते ना। देखो उसकी मॉम 10वीं पास है, ठीक है, आप डॉक्टर नहीं हो, आप जानते नहीं हो क्या है, एक बार करवा लो ना।
तब मुझे समझ में आया कि बेसिकली उसकी मॉम चाहती नहीं कि बच्चा हो, क्योंकि उनको ऐसा डर है कि बच्चा हो जाएगा तो ये प्रॉपर्टी में हक जमा कर बैठ जाएगी। इमेजिन उनकी सोच कहाँ तक जाती है, यू नो। जितना मैं चुप रह रही थी वो उतना ही ज़्यादा वो लोग वो बदमाशी कर रहे थे। एंड जब अभी जब सेप्टेम्बर में जब ये सब हुआ ना, जब वो नौकर ने प्रेशर कुकर बस्ट कर दिया, तो तब लोग डरे कि अगर वो सुरभि किचन में होती, बिकॉज आई कुक, और तभी नौकर ने सब कुछ क्या होता, वो जल जाती तो क्या होता, यू नो। एंड जिस तरह से सेप्टेम्बर में मेरे मेडिकल टेस्ट हो रहे थे, तो पता चला कि मुझे मेरा लीवर डैमेज होना शुरू होने वाला है, मतलब फाइब्रो स्कैन करवाया बस विद अंबानी डॉक्टर, और तब पता चला कि मैं प्री डायबिटिक हो गई हूँ और मेरे को थोड़ा स्किन में इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है। और प्रवीण उसके बाद में भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं थे इसके लिए, यू नो। तो लोगों को लगा कि यार ये क्या आदमी है यार। तब पीपल सेड इनफ इज़ इनफ। जो फ्रेंड्स उसको सपोर्ट कर रहे थे, उन लोगों ने सब लोगों ने प्रवीण का नंबर ब्लॉक कर दिया, एंड जैसे निकल जाए शादी से, इस लड़की को तेरी कोई पड़ी नहीं है। मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। मैं लॉकडाउन में मैंने कैसे प्रिंटआउट निकाले हैं पुलिस को देने के लिए, मुझे प्रिंटर चलाना नहीं आता था। आई हैड टफ टाइम, मतलब मैं बहुत बहुत बुरी दौर से गुजरी हूँ। बट एंड आई वाज सुसाइडल, मतलब अगर मेरे दोस्त नहीं होते ना तो शायद मैंने सुसाइड कर लिया होता था। इतने मेरे फ्रेंड्स, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स, मेरे स्कूल टीचर्स, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स, कॉलेज टीचर्स, मेरी नेबर आंटी, मेरे राखी ब्रदर्स, बेसिकली मेरे दोस्त, अगर वो लोग नहीं होते ना, मैं ये सेल नहीं कर पाती। मैं कम से कम पिछले 3 साल में 2 बार तो साइकाइट्रिस्ट के पास जा चुकी हूँ। मुझे रात को नींद नहीं आती थी, मुझे एंग्जाइटी था, मैं नर्वस हो जाती थी। जो लड़की ने लाइफ में सब कुछ खुद किया है उसकी ऐसी हालत कर दी थी इन लोगों ने। ये जाके दुनिया को ये बोलते थे कि सुरभि प्रॉब्लम है, सुरभि सेलिब्रिटी जैसा बिहेव कर रही है, सुरभि ये कर रही है, वो कर रही है। स्लोली स्लोली उसकी मॉम जो है वो आई रियलाइज कि वो प्रवीण को इंस्टिगेट करती, वो हम दोनों के बीच में बहुत झगड़े लगाती थी। जैसे प्रवीण और मेरे साथ रिलेशनशिप हम वो फिर भी बहुत बेटर थे, बट शी यूज़ टू इंस्टिगेट उसको बोलो पॉलिटिशियन से मिले। उनकी उनको बहुत इश्यूज थे कि मेरा वेट बढ़ा हुआ है, यू नो। उन्होंने प्रवीण को ये बोला कि अगर ये वजन कम नहीं करेगी अपना तो उसको पैसे मत दो। एंड प्रवीण मुझे लिटरली ये बोलता था, यू नो, कि तुम मोटी हो, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। मतलब बॉडी शेमिंग को लेके हर जगह ह्यूमिलेट करना, पूरा सा राउंड टेबल घर में कॉन्फ्रेंस, मेरी दोनों नंदे श्वेता सिन्हा एंड शिल्पा सिन्हा, वो सब प्रवीण सब बैठ के, मतलब मेरी लिटरली क्लास ली जाती थी, यू नो। श्वेता सिन्हा को मेंटल इश्यूज हैं, और ये बाकायदा मेरी फ़ोन पे आई हैव रिकॉर्डिंग, जब मैं उन लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तब भी मैं प्रवीण को ये बोल रही थी कि प्रवीण उसको ना मेंटल इश्यूज है, आप है ना उसको दिखा दो, क्योंकि वो नौकरों पे हाथ वाथ उठा देती है और ये नॉर्मल लोग नहीं करते आज की डेट में। बातचीत में सुरभि तिवारी ने ये भी बताया कि उन्होंने डाइवोर्स केस फाइल कर दिया है और अब ये पूरा मामला न्यायालय की निगरानी में है। बहुत जल्द उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा और उसी के साथ ही वो छोटे पर्दे पर जल्द ही लौटेंगी। मुंबई से उमेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।